एक बड़े से शहर में निर्मला अपनी माता बिंदु और पिता सुरेश के साथ रहते थे। निर्मला के पिता एक टोटो ड्राइवर थे और माता घर में कपड़े सीती थी। निर्मला कॉलेज में पढ़ती थी। निर्मला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। निर्मला को अपने पिता माता ने अच्छे से बड़ा किया था। जब जो मांगती थी तब वही देते थे। एक दिन, पापा मुझे 500 रुपया लगेगा, क्या आप मुझे देंगे? हाँ, क्यों नहीं दूंगा, मेरी बेटी ने मांगा है तो। लेकिन बेटा, तुम इस पैसे से करोगी क्या? मेरी कॉलेज की एक सहेली की बर्थडे है, उसे गिफ्ट दूंगी। ठीक है बेटी, कब जाओगी? कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को। ठीक है, ठीक से जाना और ज्यादा देर मत करना, 10 बजे के अंदर घर आ जाना, ठीक है बेटी? ठीक है पापा। तभी निर्मला की मम्मी बोली, निर्मला खाना तैयार हो गया है, आके खाना खा लो वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगा। टिफिन भी रेडी है, अपने बैग में रख लो वरना भूल जाओगी। हाँ मम्मी, आती हूँ। ये बोलकर निर्मला ने खाना खाने चली गई और उसके पापा टोटो लेकर चले गए। निर्मला खाना खा के कॉलेज के लिए निकल गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, सब अच्छे से चल रहा था। निर्मला अच्छी और खूबसूरत होने की वजह से बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे निर्मला के घर। इस बात को लेकर एक दिन शाम को कॉलेज से लौटने के बाद निर्मला की माता पिता ने निर्मला से बात की। बेटी निर्मला, तुम फ्रेश हो गई? मैं और तुम्हारे पापा कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। हाँ मम्मी, बोलो ना, क्या बात है? तुम्हारे कॉलेज खत्म होने को आया है। कई दिनों से बहुत सारे घर से तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैं और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि एक अच्छे से घर में तुम्हारे शादी करवा देंगे। नहीं मम्मी, मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ, मुझे ससुराल नहीं जाना है। प्लीज मम्मी पापा, मेरी शादी मत कराओ, मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, हर लड़की को एक न एक दिन शादी करनी होती है। अब हमारी उम्र भी तो हो रहे हैं, जिंदा रहते रहते तुम्हारे हाथ पीले होते हुए देखना चाहते हैं हम। पापा तुम इस तरह से बात मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे सच में शादी नहीं करनी है, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अच्छे से रहूंगी, आप दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, बिल्कुल भी तंग भी नहीं करूंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम हमें कोई परेशानी नहीं देती हो, तुम तो हमारी अच्छी बच्ची हो ना। ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखेंगे, देखना वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटी। हाँ बेटी, तुम रो मत, हाथ मुँह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ, सब एक साथ मिलकर खाएंगे। बिंदु खाना तैयार करके ले आई और एक साथ खाना खा के सब सो गए। कॉलेज में जाते समय एक दिन रास्ता क्रॉस करते समय निर्मला अचानक से गिर रही थी। तभी अजय नाम का एक लड़का आके उसे बचा लिया। उस समय के बाद से निर्मला और अजय दोस्त बन गए। निर्मला और अजय फोन में कई सारे बात करते थे। अजय निर्मला से मिलने भी आता था। एक दिन, अजय आज हम शहर से दूर एक मंदिर हुआ है, वहाँ जाएंगे घूमने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम तैयार होके रहना, 11 बजे हम लेने आएंगे तुम्हें, ठीक है? ठीक है। निर्मला 11 बजे बस स्टैंड में तैयार होकर चली गई और कुछ समय बाद अजय भी आया और वो दोनों मिलकर मंदिर में चले गए। मंदिर घूम के निर्मला और अजय घर लौट रहे थे, तभी अचानक से बहुत जोर की बारिश और तूफान शुरू हो गया। हे भगवान, ये अचानक से इतनी बारिश और तूफान कहाँ से आ गया? अब घर कैसे जाएंगे हम अजय? कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, बारिश और तूफान कम होते ही हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है। निर्मला और अजय ने बहुत इंतजार किया लेकिन बारिश नहीं रुकी। निर्मला, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, आज हम यहीं रुक जाते हैं।
लेकिन मम्मी पापा बहुत चिंता करेंगे। कल जाके मम्मी पापा को सब बता देना। इतनी बारिश में कैसे जाएंगे बताओ तुम? बिजली गिर रही है कैसे, देखो। निर्मला और अजय ने उस रात मंदिर में ही रुक गए। अगले दिन सुबह को जब मंदिर के पास रहने वाले पड़ोसी पूजा देने के लिए आए, तब अजय और निर्मला को मंदिर में देखा। अरे इतनी सुबह तुम दोनों, कौन हो तुम दोनों? मैं अजय और ये निर्मला, यहाँ कल घूमने आए थे और बारिश के कारण यहाँ अटक गए थे। मतलब तुम दोनों एक साथ यहाँ थे? ये तो घोर अनर्थ हो गया। यहाँ का रिवाज है कि इस तरह कोई लड़की और लड़का रहेगा तो उसकी शादी करा देनी होगी। सुनीता ने आसपास के लोगों को सारी बात बताई और निर्मला और अजय की शादी करवा दी। निर्मला और अजय ने निर्मला के घर गए और बोले, पापा मम्मी कहाँ हो तुम सब? अरे निर्मला, कल रात तुम कहाँ थी? तुम्हारे साथ ये कौन है? निर्मला ने अपने मम्मी पापा को घटी हुई पूरी घटना बताई और रो के बोली, उन्होंने सब मिलकर हमारी शादी करवा दी, लेकिन पापा मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तुम्हारी शादी तो अब हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटी, तुम्हें तो अब ससुराल जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, सभी लड़कियों को एक ना एक दिन ससुराल जाना पड़ता है, तुम्हें भी होगा। सुरेश और बिंदु बहुत समझा के निर्मला को ससुराल भेज दी। निर्मला तो रोते रोते अजय के साथ ससुराल चली गई। निर्मला ससुराल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में अजय को ये बात बहुत बार बोली, फिर भी अजय ने उसे अपने ससुराल ले गई। ससुराल जाके पहले दिन ही निर्मला हैरान हो गई। अरे ये कैसा घर है अजय, यहाँ तो टॉयलेट भी अच्छा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। देखो निर्मला, अब हमारी शादी हो गई है, तुम अब बीवी हो हमारी, तुम्हें अब मेरे साथ यहाँ ऐसे ही रहना होगा। तुम तो जानते हो मैं कैसे बड़ी हुई हूँ, कैसे रहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती, मुझे अपनी मायके ले चलो। ऐसा नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें अब यहाँ मेरे साथ यहीं ऐसे ही रहना होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। निर्मला अजय से बहुत बोलने के बावजूद भी उसे अपने मायके नहीं ले गई। निर्मला अपनी मायके में बहुत अच्छे से पली बड़ी थी, लेकिन अजय का घर बहुत ही छोटा था, किचन टॉयलेट कुछ भी अच्छा नहीं था। निर्मला को ऐसे रहने की आदत नहीं थी, हर वक्त उसे अपनी मम्मी पापा की याद आती थी और वो रोती थी। उसी दिन रात को जब अजय सो रहा था, तभी निर्मला चुपके से उठ गई और भाग के अपने मायके में आ गई। मम्मी दरवाजा खोलो। कौन है इतनी रात को? मैं निर्मला, दरवाजा खोलो ना माँ। बिंदु ने दरवाजा खोला तो निर्मला बहुत रोने लगी। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं आपके और पापा के पास ही रहूंगी, मुझे वहां मत भेजो वरना मैं रोते रोते मर जाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते, तुम अभी अंदर आओ, सुबह होते ही तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ सोचेंगे, तुम रोना बंद करो। सुबह होते ही बिंदु ने सुरेश को सब बताया। तुम कुछ करो निर्मला की पापा, वरना निर्मला रोते रोते बीमार हो जाएगी। सुरेश ने अजय को फोन किया। हेलो अजय, मैं सुरेश, निर्मला का पापा। हाँ जी बोलिए, निर्मला आपके वहाँ गई है क्या, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वो रोते हुए यहाँ चली आई, मैं सोच रहा था अगर तुम घर जमाई बन के मेरे घर रह जाओ तो बहुत अच्छा होगा, निर्मला भी अच्छी रहेगी, तुम तो अकेले हो, मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। अजय ने बहुत सोचा और निर्मला के लिए अपने ससुराल घर जमाई बनकर रहने लगा। इससे निर्मला भी बहुत खुश हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे।